हाय। मम्मी पापा शर्मिली। जीती रहो कपिल। किसकी शादी हो रही है? दियाना सरप्राइज। तू यहाँ? मुझे लगा ही था। हम भी हैं यहाँ। कोई टेंशन नहीं बेटा, आजा आजा बेटा आजा। इतना अच्छा दामाद पसंद किया तुमने और हमें बताया तक नहीं। मेरी बेटी बता तो रही थी पर आप दोनों ही नहीं सुन रहे थे। हाँ हाँ कोई नहीं बेटा, मैंने बात कर लिया, सब ठीक हो जाएगा, एकदम सब सेट कर लिया मैंने, नो प्रॉब्लम। आओ चलो। देखा सिस, सब सही कर दिया ना मैंने। सब बिगाड़ दिया तूने। कैसे? उसका नाम शर्मिली है लेकिन शर्मिली बिल्कुल नहीं। आज से पहले सिर्फ 4 दिन मिले प्यार और 8 महीनों में शादी। 8 महीनों में कभी मिलना नहीं हुआ? आई लिव इन US, आई मीन जॉब करता हूँ। सोच रहा हूँ शादी के बाद यहीं सेटल हो जाऊँ। थैंक्स। किस लिए? जब वो घर से भागी थी तब वो अकेले थी। उसने निकलते वक्त बताया था मुझे। क्या है, बहुत फास्ट है ना? फास्ट ज़रूर है लेकिन ओरिजिनल है। She loves you. अब बता क्या करूँ मैं? सीस, यू आर मैड। पहले वाले से शादी करने के लिए दूसरे वाले को मंडप में छोड़ के भागी और अब जब पहले वाले से शादी हो रही है तो तीसरे से प्यार हो गया, वो भी सीरियस। प्यार का म्यूजिकल चेयर चालू है यहाँ पर। तू चुपचाप शादी कर ले सिस, वरना लोग मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे। यहाँ मेरी लगी हुई है और तुझे अपने कैरेक्टर की पड़ी है। समझ अब हैप्पी, खुश है मेरी बेटी? लेकिन पापा हमारे यहाँ तो लड़की को लड़की के घर जाकर शादी करनी होती है ना, वो शादी विदाई वाली रस्में एंड ऑल। कोई रस्म वस्म नहीं, मेरी बेटी की शादी हो रही है, आई एम हैप्पी। मैंने कहा था ना उस राठौर से, तेरे ना होने वाले ससुर से, कि इन्हीं बरातियों के बीच में तेरी शादी करवाऊंगा। हो रही है क्यों जी? हाँ बिल्कुल। तू तो खुश है ना? गुड, तू तैयारी कर, मैं बाहर संभालता हूँ। आओ जी। यार ये मेरे पाप का ईगो क्यों बार बार बीच में आ जाता है।